हेलो गाइस, माय नेम इज़ अश्विन एंड यू आर वाचिंग वन स्टेप। सो आज के वीडियो में मैं आपको एक राउंड टेबल बनाना बताऊंगा 3ds मैक्स में, वो भी इजीएस्ट पॉसिबल वे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू पोर्ट में जाएंगे और लाइन कमांड ले लेंगे। उससे हम राउंड टेबल का, मैं यहाँ पे सेंटर टेबल बनाने वाला हूँ। सो राउंड टेबल का हम बेसिक सा शेप बनाएंगे, 2D शेप। तो यहाँ पे मैं हाफ शेप ही बना रहा हूँ, क्योंकि जो हम दूसरा कमांड यूज़ करेंगे जो कि लेथ है, तो उससे ये पूरा 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पूरा यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से हायरार्की ऑप्शन में जाएंगे और इफेक्ट पिवट ओनली एक्टिवेट कर लेंगे और इसको हम इसके सेंटर में ला लेंगे ऐसे इस ऑब्जेक्ट के। अभी इसको वापस डीएक्टिवेट कर देंगे। अब मॉडिफायर में जाएंगे, मॉडिफायर में हम सिलेक्ट करेंगे लेथे कमांड और ये बन गया है हमारा राउंड टेबल। अब ये ब्लैक दिख रहा है, सो इसको हम अलाइन में जाके सेंटर कर लेंगे। सो ये एकदम एग्जैक्ट बराबर बन गया है हमारा राउंड टेबल। आप चाहे तो इसके ऊपर मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं, लाइक दिस। सो गाइज, हमारा राउंड टेबल बन चुका है, वो भी एकदम ईजीएस्ट वे में। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना, शेयर करना किसी को ज़रूरत हो तो, और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।